दलीप ट्रॉफी, इंडिया बी ने 275 रनों का टारगेट दिया। दूसरी पारी में टीम 114 रनों पर ऑल आउट। लंच तक इंडिया का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट। तो क्या है पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंडिया बी ने दलीप ट्रॉफी के चौथे दिन इंडिया ए को जीत के लिए 275 रनों का टारगेट दिया है। बेंगलुरु में चल रहे मुकाबले के आखिरी दिन रविवार को दूसरी पारी में 184 रन पर ऑल आउट हो गई। लंच तक इंडिया ए ने 6 रन बनाने के बाद 4 विकेट गंवा दिए। केएल राहुल और तनुष कोटिया नाबाद है। कप्तान सुमन गिल 21 रन और रियान पराग 31 रन बनाकर पहले ही लौट चुके हैं। इससे पहले इंडिया बी ने दिन की शुरुआत 150 रनों के स्कोर से आगे की थी। ऋषभ पंत ने 61 रन की पारी खेली। इंडिया के लिए आकाशदीप ने 5 विकेट झटके जबकि खलील अहमद को 3 विकेट मिले। पहली पारी में इंडिया बी ने इंडिया ए को 231 रन पर ऑल आउट कर दिया था। इसके बाद दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी इंडिया बी की शुरुआत खराब रही थी जबकि पहली पारी के शतकवीर मुशीर खान बिना खाता खोले आउट हो गई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान और ऋषभ पंत, दोनों ने इंडिया बी की पारी को संभाला। सरफराज खान ने 46 रन और ऋषभ पंत ने 61 रनों की पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए और इंडिया बी को जीत के करीब पहुंचा दिया। सो दोस्तों, आपके नजरिए मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।